श्रद्धेय मैक्से अवार्ड पुरस्कृत बाबा आमटे जी की जीवनी पर सिटी केबल की ओर से विशेष प्रस्तुति। बाबा आमटे का पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था। विदेश के प्रख्यात और सम्माननीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आनंद वन की स्थापना कर कुष्ठ रोगियों को नए जीवन और नए संघर्ष के लिए रास्ता दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए नई तरह के क्रियाकलाप आरंभ किए। नर्मदा को भी प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। एक तरह से इन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में लगा दिया। बाबा आमटे का जन्म वर्धा के लेखपाल और जमींदार देवीपाल के घर 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। विरासत में मिली जमींदारी के कारण बचपन बहुत ही आराम से बीता। बचपन में किसी राजकुमार की तरह रेशमी कुर्ता और चमकदार जूते पहनते थे। जिन लोगों ने बाबा को बाद में देखा होगा उनके लिए उनके बचपन का अनुमान लगाना निश्चित तौर पर कठिन होगा। बाबा ने अपनी आरंभिक स्कूली शिक्षा नागपुर के मिशन स्कूल में पूरी कर उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई अन्य विषयों को भी पढ़ा और फिर स्थानीय तौर पर वकालत का कार्य प्रारंभ किया। गांव का दौरा करने के बाद बाबा आमटे ने पाया कि भारतीय गांव सचमुच ही खस्ताहाल हालत में है। भारत उस समय गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और आजादी का संघर्ष जोरों पर था। उसी समय बाबा आमटे ने अपने मित्र राजगुरु का साथ छोड़ दिया और गांधी जी के साथ अहिंसा के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में जाकर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठाना शुरू किया। बाद में जाकर विठोबा भाव से प्रभावित होकर उन्होंने जगह जगह भूमि सुधार आंदोलन भी प्रारंभ किया। उन दिनों जब कुष्ठ रोग एक सामाजिक कलंक हुआ करता था, लोग इस रोग से ग्रस्त लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते थे। इस तरह के मिथ्या अफवाह से लड़ने के लिए बाबा आमटे आगे आए एवं जीवन भर कुष्ठ रोगियों, जनजातियों एवं किसानों के साथ कार्य करते हुए वर्तमान उन्नयन के जन विरोधी स्वरूप को जाना और वैकल्पिक उन्नयन की जमीन तैयार की। बाबा आमटे की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कुष्ठ रोगों से पीड़ित अछूतों के लिए आश्रम का निर्माण, जिसे कि आनंद वन के नाम से आज जाना जाता है। कम लागत से बने इस आश्रम में आज धन संपदा प्रचुर मात्रा में है। यहाँ सारी चीजों की पैदावार होती है। इसके अलावा बाबा आमटे ने यहीं से भारत जोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत की थी। ज्वाला आनी फुले और उज्जवल उदिया साठी नामक दो काव्य संग्रह बाबा आमटे ने लिखे। इन कविताओं में तत्कालीन संघर्ष की छवि देखने को मिल सकती है। बाबा आमटे का देहावसान 9 फरवरी 2008 को हुआ। वे उस समय 94 वर्ष के थे। बाबा आमटे कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। 1971 में भारत सरकार से पद्मश्री, 1979 में जमनालाल बजाज सम्मान, 1980 में नागपुर विश्वविद्यालय से डी लिड उपाधि, 1983 में अमेरिका का डेमियन डटन पुरस्कार, 1985 में रेमन मैग्मेसे पुरस्कार मिला, 1985-86 में पुणे विश्वविद्यालय से डीलिट उपाधि, 1988 घनश्यामदास बिड़ला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, 1988 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑनर, 1990 टेम्पलटन पुरस्कार, 1991 ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र सम्मान, 1992 स्वीडन का राइट लाइवलीहुड सम्मान, 1999 गांधी शांति पुरस्कार और 2004 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए।